सो वेलकम टू एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो। और आज की वीडियो में ऐसे कुछ एक्साइटिंग एयरड्रॉप के बारे में बताने वाली हूँ जिससे आप लोगों को यहाँ पर 1000 से $1500 तक का प्रॉफिट हो सकती है। इसके लिए बस आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा और जो जो स्टेप हम बताएंगे उसको अप्लाई करनी पड़ेगी, तो आप ही यहाँ से अर्न कर सकते हो। वीडियो को पूरी देखना क्योंकि एंड पार्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊँगी जिसको आपको जानना बेहद ज़रूरी है, अदरवाइज आपको यहाँ से प्रॉफिट नहीं भी हो सकती है, इवन नुकसान भी हो सकती है। तो वीडियो को ज़रूर सा एंड तक देखना। यहाँ पर मैं आप लोगों को चलो कुछ प्रूफ दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो, लोगों ने यहाँ से $1000 फ्री का एयरड्रॉप से कमाया था। यहाँ पर कुछ लोगों को TNS एयरड्रॉप मिला था कुछ ऑफर ही अप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पर जब इनको मिला था, यहाँ पर एक मैजिक सा देखो, जब मिला था ना तो तब इसका वैल्यू $275 का आसपास था, बट कुछ ही टाइम होल्ड करने के बाद नेक्स्ट डे इसका प्राइस गाइस ऑलमोस्ट $1000 का भी ऊपर चले गई थी। सो होल्डिंग पावर अगर आप में है तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो सकती है आप खुद इमेजिन कीजिएगा, ठीक है। तो एयरड्रॉप में गाइस ऐसे पेशेंस होना बेहद ज़रूरी है। आपको मिल गई है फटाफट सेल कर दिया कम प्राइस में, इतना नहीं होती है। आप अगर अच्छे टोकन को होल्ड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रॉफिट हो सकती है। कहाँ सोचो $300, कहाँ $1000, बहुत सारा डिफरेंसेस है। तो ये मैं कहना चाहती हूँ। अब देखो, आज की वीडियो में भी ऐसे कुछ अपकमिंग एयरड्रॉप के बारे में बताऊंगी जहां से आप लोगों को ऐसे ही प्रॉफिट दिला सकते हैं, ऐसे मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरी अंत तक देखो, ठीक है। तो चलो फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे होबी की, जो अपकमिंग प्राइम लिस्ट सेल आ रही है उसके बारे में हम बात करने आ रही है यहाँ पर 29 दिसंबर को। तो उसी के बारे में इस बार भी गाइस यहाँ पर दो टाइप की आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एक वाया क्यू और दूसरा है HT होल्डिंग की वाया। अगर आप मिनिमम 300 HT होल्ड कर सकते हो तो तभी आप HT होल्डिंग के वाया यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। अदरवाइज़ आप अगर फ्री में ज्वाइन करना चाहते हो विदाउट टोकन होल्ड, तब क्यूई के वाया यहाँ पर सिंपल सा रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर सबसे अच्छी तरीका क्यूई है क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है। यहाँ पर कोई एक मेथड के वाया आप यहाँ पर रजिस्टर कर सकते हो। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताई थी, फिर भी जो भी न्यू यूज़र है उनको समझने के लिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ। सेल पीरियड स्टार्ट होगा गाइस यहाँ पर 29 दिसंबर 3:30 बजे से, दोपहर 3:30 बजे से स्टार्ट होगा। फिर 1 घंटे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, मतलब 3:30 से 4:30 बजे तक अब रजिस्ट्रेशन पीरियड चलेगा। जैसे रजिस्ट्रेशन पीरियड ख़त्म हो जाते हैं तो 5 बजे के आसपास आपके पास विनर लिस्ट आ जाएंगे। आप अगर विन कर ले तो होम पेज में आपको शो कर जाती है एंड उसके बाद आपको लिस्टिंग डेट भी यहाँ पर अनाउंस कर दिया जाएगा कब लिस्टिंग होगा गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ मैंशन किया गया। और इस बार गाइस 2400 विनर को सिलेक्ट किया जाएगा। पर टोकन की वैल्यू है 0.05। आप मैक्सिमम 5 USDT को यूज़ करके यहाँ पर कर सकते हो। और जो HT होल्ड करेगा उनको अप टू $50 तक का एलोकेशन मिलेगा, ठीक है। अप टू मतलब $2 का भी मिल सकती है, $5 का भी मिल सकता है, $10 का भी मिल सकती है। तो जितना मेरे एक्सपीरियंस रहा है $5 से $6 का एलोकेशन मिल जाता है अगर आप 300 या फिर उससे आसपास का यहाँ पर HT होल्ड करते हो। मिनिमम 300 होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया। अब चलते हैं एप्लीकेशन में जाके। सबसे पहले देखो, आप के पास होना चाहिए होबी का एक अकाउंट, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप उस लिंक के वाया जाके अकाउंट बना लेना। और यहाँ पर गाइस सबकी KYC कंप्लीटेड होना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट चलो मैं लॉगिन कर लेती हूँ सबसे पहले। सो जैसे ही आप आते हो, सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट और आपके अकाउंट में KYC कंप्लीटेड होना चाहिए। अगर नहीं पता तो Part 1 वाला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी कैसे KYC करना है, आपको पता चल जाएंगे। उसके बाद होम पेज में ही आपको इस टाइप की बैनर मिल जाएंगे DO सेल करके, तो उस पर क्लिक करके भी आप प्राइम लिस्ट सेक्शन में जा सकते हो। नहीं तो यहाँ पर हॉट करके एक ऑप्शन है, इधर क्लिक करोगे तो आप सेल पेज में आ जाओगे। तो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है गाइस, यहाँ पर सेल का नेम वगैरह, कितना दिन का टाइम है अभी भी ये दिख जाए
जाएंगे। यहाँ पर गाइस सेल डिटेल्स मिल जाएंगे, प्रोजेक्ट का नाम क्या है, टोटल सप्लाई क्या है, सर्कुलेशन सप्लाई कितना है, कितना आपको टोकन की प्राइस मिलेगा, कितना प्राइस में मिलेगा, साथ में यहाँ पर रूल्स वगैरह भी मेंशन है। तो एक एक करके मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा बहुत टर्म एंड कंडीशन का चेंज हुई है, वही चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर कट बता देती हूँ। देखो यहाँ पर डेली $200 का एवरेज ट्रेडिंग मेंटेन करनी है, टोटल सेल कितना दिन का होगा, 6 दिन का, मतलब आप कम से कम यहाँ पर 1250 USD का यहाँ पर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम कंप्लीट करना पड़ेगा टोटल में, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप $200 का डेली करनी पड़ेगा, आप टोटल में 1250 या फिर उससे ज़्यादा कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका एवरेज जो ट्रेडिंग वॉल्यूम वो 200 दिख जाएंगे। यहाँ पर अगर एवरेज ट्रेडिंग वॉल्यूम 200 दिख जाएगा, मतलब कि आपने इस क्राइटेरिया को कंप्लीट कर लिया होगा। मेरे कहने की मतलब ये है कि आपको टोटल में 1250 का यहाँ पर ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट करनी पड़ेगी, जिससे आपकी एवरेज वॉल्यूम 200 आ जाएंगे और आप इजीली सेल में पार्ट ले सकते हो। ये क्राइटेरिया आपको कब तक पूरा करनी पड़ेगी, 29 December 3:30 PM के पहले तक आपको ये चीज़ कर लेनी पड़ेगी। और जैसे 3:30 बजेगा रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, फटाफट आप QE ऑप्शन को सिलेक्ट करके भाया QE आप रजिस्टर कर लेना। अगर आप ST होल्ड किए हो तो ST होल्ड का भी ऊपर एक ऑप्शन मिलता है, उससे आप कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखो कुछ रूल्स वगैरह है जो कि मैंने पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर साइन अप करनी पड़ेगी, प्लस आपका अकाउंट में KYC भी करनी पड़ेगी, और स्पॉट ट्रेडिंग 200 का आपको एवरेज वॉल्यूम में मेंटेन करनी पड़ेगी, जो कि मैंने आपको बता दिया। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कट बता देती हूँ कि ऐसे नहीं है कि आपको एक दिन में ही करना पड़ेगा या फिर हर एक दिन का करना पड़ेगा, टोटल में 6 दिन, अभी भी 2 दिन बचा है, तो 2 दिन का अंदर आप कभी भी कर लीजिए। कोशिश कीजिए एक दिन में ना करें, 2-3 दिन में पार्ट वाइज कर लेने के, ठीक है। तो टोटल में आप कभी भी कर सकते हो, बस आपको 200 एवरेज वॉल्यूम मेंटेन करनी पड़ेगी। 200 एवरेज वॉल्यूम के लिए आपको 1250 का ऊपर ट्रेड करनी पड़ेगी, समझ गए, एक क्लियर हो गई। अब आप ट्रेड कैसे करोगे, यहाँ पर मार्केट में आ जाओगे, मार्केट में आने के बाद आप यहाँ पर सर्च कर लीजिए पेयर, आप TRX और USDT में कीजिए, इसमें फ़ी काफ़ी कम लगता है। अदरवाइज़ आप चाहे तो USDT और USDT में भी कर सकते हो, बट इसमें क्या होगा, आपकी फ़ीस ज़्यादा कट जाएंगे, $2-3 का फीस कटने में यहाँ पर लग जाएंगे। इससे के लिए अब बेटर होगा कि TRX और USDT में कीजिए, फ़ी भी कम होगा और यूजली आपके यहाँ पर कंप्लीट भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था चीज़, मैंने आपको पूरी चीज़ समझा दिया हो कि सेल कब स्टार्ट हो रहे, कैसे आपको यहाँ पर ज्वाइन करनी पड़ेगी, कितना आपको ट्रेडिंग वॉल्यूम मेंटेन करनी पड़ेगी। फिर भी कन्फ्यूजन है, कमेंट सेशन है, पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हमारा डिस्कशन ग्रुप है, उधर भी आप लोग पूछ लेना, ठीक है। कर लेती इस प्रोजेक्ट के बारे में, बेसिकली गेमिंग प्रोजेक्ट है और मेरे एक्सपेक्टेशन रहेगा कि इधर से आप लोगों को 15-20x तक प्रॉफिट हो सकते हैं, मतलब कि जो भी विनर बनेगा $50 देके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेगा वहाँ पर, उन लोगों को $700 से $1000 तक का यहाँ पर प्रॉफिट बन जाएगा गाइस, ठीक है। और जो भी विनर नहीं बनेगा गाइस, उनको इजीली यहाँ पर रिफंड मिल जाएंगे आधा एक घंटे के बाद। और गाइस सेम डे लिस्टिंग होगा, मतलब कि जिस दिन आप रजिस्टर वगैरह करोगे उसी दिन रिजल्ट निकलेगा और उसी दिन आप अपना टोकन को सेल करके प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक। और बाकी हर एक चीज़ तो आपको पता ही होगा, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता चुकी हूँ, इतना आप कर लीजिएगा, आप इजीली एलिजिबल हो जाओगे। अब चलते हैं दूसरे ऑफर की तरफ, जहाँ पर मैं आपको 4-5 एयरड्रॉप बताऊँगी जो अपकमिंग दिन में आप लोगों को $500,000-1500 तक का यहाँ पर प्रॉफिट दे के जा सकती है, ठीक है। तो चलिए उन ऑफर की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट आ रहे हैं उसका नाम है Zephyr 5, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक पे दे दूंगी, फर्स्ट एयर ड्रॉप करके ये लिंक रहेगा, आप क्लिक करके यहाँ पर ले लेना गाइस। यहाँ पर एक चीज़ देखो, इस लिंक को आप ट्रस्ट वॉलेट के DApps में जाके भी पेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रस्ट वॉलेट में ना DApps का ऑप्शन मिलेगा, इसमें भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज आप अपना QE ब्राउज़र में चले जाओ, वहाँ पर MetaMask की जो एक्सटेंशन है तो उससे वाया करो, MetaMask बेस्ट होती है, उससे आप करो, मैं रिकमेंड करूँगी। क्यों,
क्योंकि मैं थोड़ी देर में ही बता देती हूँ क्यों मैं रेकमेंड कर रही हूँ मेटामास्क के वायर, ठीक है। करने के बाद आप यहाँ पर नेटवर्क को चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पर BSC की वाया भी कर सकते हो, पॉलीगन की वाया भी कर सकते हो। मैं फिलहाल पॉलीगन के वाया दिखा दूँगी क्योंकि इसमें फ़ी कम लगेगी, ठीक है। उसके बाद प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपना वॉलेट को मतलब कि कनेक्ट कर लेना। कनेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो शो होगा, NFT जितना भी होगा आपके पास वो शो हो जाएगी, यहाँ पर हिस्ट्री दिख जाएंगी। अभी देखो इसमें प्रॉफिट कैसे मिलेगा और कितना प्रॉफिट हम लोगों को मिल सकती है, ठीक है। सबसे पहले देखो ZephyrFi ये डेक्स है, इसको अगर हम यूज़ करेंगे या फिर इसमें कुछ स्वैप लिक्विडिटी प्रोवाइड या फिर कुछ हम स्टेक वगैरह करते हैं तो उस केस में इनका जब नेटिव टोकन निकलेगा तो ये लोग जो अर्ली यूज़र है जिन्होंने इनका डेक्स को यहाँ पर यूज़ किया होगा उनको कुछ एयरड्रॉप दे सकते, इससे हम लोगों को यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकती है, ठीक है। तो यही मेन चीज़ है जिसलिए हम लोगों को यहाँ पर कुछ सोया वगैरह करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर हर एक चेन में आप कर सकते हो, इथेरियम, BSC, पॉलीगन, एवलंच, बट कम फीस पॉलीगन में लगेगा। अभी देखो यहाँ पर वॉलेट प्रोफाइल पे क्लिक करके यहाँ पर प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर अपडेट अबतर कर सकते हो। अपडेट अगर आपके पास कोई भी NFT होगा उसको सिलेक्ट करके आप चेंज अबतर कर सकते हो, अगर आपके वॉलेट में है तो ये चीज़ कर लेना, ठीक है। करने के बाद गाइस अभी देखो यहाँ पर क्वेस्ट का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना। यहाँ पर डेली करके कुछ ये लोग XP देते हैं, इसको आप डेली आके यहाँ पर क्लेम कर सकते हो, ठीक है। तो चलो फटाफट हम यहाँ पर क्लेम कर लेते हैं, ये डेली का डेली कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वेस्ट का मैंने बता दिया, अब जो रिवॉर्ड पे क्लिक करोगे ना इसमें क्या होगा, जो कि आपको यहाँ पर XP मिली है उसको यूज़ करके आप NFT वगैरह इधर से परचेज कर सकते हो। अब देखो डैशबोर्ड में आपको तो जैसे मैंने बताई ये वाला आपका डैशबोर्ड रहेगा। अभी एक्सचेंज पे क्लिक करके आप यहाँ पर स्वैप वगैरह कर सकते हो। पहले आप नेटवर्क सिलेक्ट करना है यहाँ पर कौन से नेटवर्क में करनी होगी, फिलहाल मैं पॉलीगन में दिखा देती हूँ। आप लोग BSC में कर लेना, अगर आप इथेरियम फीस का झेल सकते हो तो इथेरियम में भी कर लेना क्योंकि एयरड्रॉप का क्राइटेरिया अभी से क्या होगा वो बता नहीं सकते हैं। तो जितना भी आपके लिए पॉसिबल है आप जितना एफर्ट कर सकते हो वो हिसाब से आप कर लेना। तो यहाँ पर चलो पॉलीगन में हम करते हैं मैटिक से यहाँ पर USDC कर लेते हैं सिंपली, ठीक है। USDC हम कर लेते हैं तो कितना करेंगे, एक से मैं करके दिखा रही हूँ, आप आपके हिसाब से कर लेना जितना भी आपके पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलेक्ट कर लिया, बैलेंस 0 दिखा रही है तो मैं दूसरी वॉलेट में करके बताती हूँ। सो देखो यहाँ पर मैंने एक मैटिक टोकन यहाँ पर एंटर कर दिया, उसके बदले में मुझे इतना USDC मिलेगा। तो इसको मैं हम एक्सचेंज पे क्लिक करते हैं और सिंपली यहाँ पर हम अप्रूव कर देंगे और हमारा एक्सचेंज इस ट्रांजेक्शन को यहाँ पर सक्सेसफुल कर देंगे। सो जैसे ही मैटिक से USDT हो जाते हैं अभी हम दूसरा में भी कर लेते हैं, 0.90 कर देते हैं। अभी USDC से हम ले लेंगे मैटिक, ठीक है, तो ये भी कर लेते हैं। तो चलो इसको भी फटाफट हम एक्सचेंज कर लेते हैं। सो हमने मैटिक से भी USDT कर लिया, USDT से भी मैटिक कर लिया। आप चाहे तो कोई भी टोकन को यहाँ पर स्वैप कर सकते हो, बस आपको यहाँ पर स्वैप करना है। अभी देखो मेरे बात सुनो, यहाँ पर कम से कम आप 5 से 10 स्वैप ऐसे कर लेना ट्रांजेक्शन साथ में। यहाँ पर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम भी क्रिएट कर लेना है, लाइक 500 से 1000 डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्रिएट करना, $50 का मैटिक लाना, फिर एक दिन में आप 10 बार कर लेना, 500 वॉल्यूम क्रिएट हो जाएंगे, और नेक्स्ट डे आप फिर से कर लेना 1000 वॉल्यूम, ऐसे हो जाएंगे। इससे क्या होते हैं कि आपको जितना भी एयरड्रॉप मिलता है ना उसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा करते हो ना तो काफ़ी केस में मैंने देखा हूँ कि एयरड्रॉप की जो रिवार्ड है वो ज़्यादा मिल जाती है। तो फर्स्ट चीज़ है आप लोगों को यहाँ पर एक्सचेंज वाला ऑप्शन को यूज़ करना है। दूसरा देखो यहाँ पर पूल का सिस्टम है, पूल में क्या कर सकते हो, आप लिक्विडिटी प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, किसी भी चेन में कर सकते हो। फिलहाल BSC चेन में यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसलिए मैं इथेरियम में दिखा रही हूँ। यहाँ पर हम इथेरियम में कौन सी चेन में कर सकते हैं एक बार मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। WMATIC से यहाँ पर USDC में कर सकते हैं हम, $1 सिंपली दिखाएंगे, एक एक से कर लेंगे गाइस, ठीक है, आधा कर लेते हैं। मैं आपको डेमो के लिए दिखा रही हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना यहाँ पर एफोर्ड कर सकते हो फी वगैरह, ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पर उतना अमाउंट का कर लेना। आप चाहे $5 का करो, $10 का करो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बाद में आप इन लिक्विडिटी से यहाँ पर रिमूव भी कर सकते हो, बस आपको 1-2 बार के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करना है। उसके बाद जैसे प्रोवाइड किया
पर हमारा लिक्विडिटी ऐड हो चुका है, अभी कभी हमको रिमूव करनी होगी तो माइनस का आइकन पे क्लिक करके यहाँ पर मैक्स करके हम सिंपल सा यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर हमको सेविंग पे कुछ डिपॉजिट कर सकते हैं, क्या डिपॉजिट कर सकते हैं, यहाँ पर सिंपली हम चले जाएंगे, कुछ मल्टी के डिपॉजिट कर सकते हैं हम यहाँ पर, बहुत ही लो अमाउंट का मैं यहाँ पर करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इतना एंटर करके कंफर्म कर देते हैं, ठीक है, सिंपली यहाँ पर अप्रूव कर देते हैं इसको। सो देखो सेव पे जाके भी हमने यहाँ पर कुछ डिपॉजिट कर दिया, अभी कभी हमको विड्रॉल करना होता है तो माइनस पे क्लिक करके हम इससे विड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितना भी पॉसिबिलिटीज़ था, जैसे कि हमने यहाँ पर क्वेस्ट में जाके एक्सपी भी क्लेम किया, उसके बाद अबतर भी चेंज किया, फिर डैश एक्सचेंज पे जाके स्वैप भी किया, पूल में जाके लिक्विडिटी भी प्रोवाइड किया, सेफ में जाके कुछ डिपॉजिट भी किया, तो जितना भी पॉसिबिलिटीज है वो हमने कर लिया। अब जैसे मैंने बताई, मैं आपको डेमो के लिए दिखा रही हूँ, ऐसे आप कर लेना कुछ थोड़ा बहुत स्वैप वगैरह करके, आप यहाँ पर वॉल्यूम भी क्रिएट कर लेना, इससे आपकी रिवॉर्ड मिलेगी, मतलब कि ज़्यादा अमाउंट का रिवॉर्ड आपको मिल सकती है, इसका चांसेस है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एयर ड्रॉप की तरफ। नेक्स्ट ऑफर आ रहा है टस डोमेन नाम की इस साइट की तरफ से, जहाँ पर गए हम लोगों को डोमेन परचेस करनी होगी, ठीक है। और उसके बदले में ये लोग बोल रहा है कि इनका जो भी गवर्नेंस टोकन होगा लाइक ईएनएस जैसे, यहाँ पर हम लोगों को प्रोवाइड कर सकता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, टीएनएस भी सेम ऐसे ऑफर लाए थे, और उस ऑफर को जिन जिन लोगों ने प्रोवाइड किया, मतलब जिन जिन लोगों ने उसको अप्लाई किया था, सबको $1,000 का प्रॉफिट हो गई थी, जिन्होंने भी टोकन को एक दिन कम से कम होल्ड किया था। तो ऐसे हम भी मान रहे हैं कि इससे हम लोगों को एयरड्रॉप मिल सकती है इन फ्यूचर में। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देती हूँ, सेकेंड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको आप ट्रस्ट वॉलेट में ओपन कर लेना, ठीक है। ट्रस्ट वॉलेट में इस लिंक को यहाँ पर पेस्ट कर देना, जिसे आप पेस्ट कर दोगे तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को इस लिंक को यहाँ पर बीएससी नेटवर्क के वाया ओपन करनी पड़ेगी। इथेरियम के वाया हम नहीं करेंगे, बीएससी के वाया करेंगे। उसके बाद थ्री लाइन मेनू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा, वॉलेट कनेक्ट कर लेना। अभी देखो यहाँ पर गाइस आप लोगों को एक डोमेन सर्च करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर आप अपना कोई भी नेम से डोमेन परचेस कर सकते, एंड में .bnb होगा बस, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई भी नाम से खरीद सकते हो, आप अपना नाम से भी खरीद लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस नाम लिख के एक तो ये अपन नेम से सर्च करना पड़ेगा। बट देखो ये नेम से सर्च किया मैंने, यहाँ पर गाइस ज़्यादा वैल्यू दिखा रहे हैं हमको, $30 के आसपास का यहाँ पर वैल्यू परचेस करनी पड़ेगी, मतलब कि उसके आसपास यहाँ पर टोकन लेनी पड़ेगी। तो कुछ भी लिख देती हूँ, ओके, इस नाम से मैं सर्च कर, अवेलेबल भी हो, $30 का वैल्यू भी है, तो अवेलेबल पे हम क्लिक करेंगे। गाइस यहाँ पर वैल्यू $30 दिखा रहे हैं, हम अप्रूव पे क्लिक करेंगे, सिंपली हमारे पास एक नोटिफिकेशन आएगा ट्रस्ट वॉलेट से, तो यहाँ पर हम फटाफट इसको अप्रूव कर देंगे। और अप्रूव करते टाइम आपकी वॉलेट में यहाँ पर BNB की जो स्मार्ट चेन वाला हो उसका फीस होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट हम अप्रूव कर लेते हैं। तो गाइस जैसे ही यहाँ पर अथॉरिटी सक्सेसफुल दिख गई, अभी आपको पे पे क्लिक करनी पड़ेगी, पे पे जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर अप्रूव करनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से आपको 2 times करनी पड़ेगी, एक बार अप्रूव, दूसरा टाइम पे, तभी जाके यहाँ पर आप लोगों की डोमेन सक्सेसफुली परचेस हो जाएंगे। यहाँ पर सक्सेसफुली डोमेन परचेस हो गई है गाइस, ठीक है। अभी यहाँ पर माय डोमेन्स पे क्लिक करके आप अपना डोमेन्स देख सकते हो, ठीक है। अभी बस इतना करके कुछ छोड़ देनी होगी, जब भी इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल अपडेट वगैरह आएंगे कि एयर ड्रॉप आ गई है या फिर क्लेम के बारे में, तो हम टेलीग्राम चैनल पर इसका अपडेट दे देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए आप इनका ट्विटर अकाउंट को यहाँ पर फॉलो करके रख सकते हो। अब चलते हैं तीसरे एयर ड्रॉप की तरफ। जो तीसरा एयर ड्रॉप है, इसके लिए आप अपना फ़ोन में क्यूई ब्राउज़र को इंस्टॉल कर लेना, और साथ में उसके भी ब्राउज़र में यहाँ पर मेटामास्क को भी यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना। अभी देखो यहाँ पर मेटामास्क की जो नेटिव टोकन, उसका एयर ड्रॉप आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि रिसेंटली ओपन शी ने भी यहाँ पर एयर ड्रॉप दे दिया, जिसका वैल्यू था 300 के आसपास, ठीक है। तो जिन्होंने भी ओपन शी में कुछ बाय सेल किया था इथेरियम चेन की वाया, उन सभी को यहाँ पर एयर ड्रॉप मिल चुका है। अभी आप लोगों को मैं बोलूँगी कि अगर अभी कभी भी यहाँ पर मेटामास्क के वाया स्वैप वगैरह नहीं किए हो, तो मेटामास्क को यूज़ करके ज़रूर आप ट्रांजेक्शन कीजिएगा, ठीक है। अब चाहे तो मैटिक चेन में कर लीजिएगा, आप चाहे तो BSC चेन में कर लीजिएगा, बेस्ट होगा आप 1-2 इथेरियम चेन में भी कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा चांस बन जाती है, ठीक है, इथेरियम चेन में।
और आप अगर पॉलीगॉन मैटिक में या फिर बीएससी में कर रहे हो तो थोड़ा बहुत वॉल्यूम भी क्रिएट कर लेना, जनरेट कर लेना, इससे आपका जो एयरड्रॉप रिवॉर्ड है वो ज़्यादा मिलने की चांस बढ़ जाते हैं अगर आपकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये तीसरा एयरड्रॉप है। अभी चौथे एयरड्रॉप की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है फैंटम वॉलेट। मैंने इसके बारे में आप लोगों के साथ यहाँ पर टेलीग्राम पर भी शेयर किया था। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों की पोस्ट में बताई थी, यहाँ पर इनका पोस्ट किया गया है, इनका सीईओ ने पोस्ट किया है कि इनका 2022 में इनका मोबाइल एप्लीकेशन एनएफटी फीचर इवेंट पॉसिबली नेटिव टोकन भी आ सकती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है, आप क्यू ब्राउज़र में जो कि है फैंटम का जो एक्सटेंशन लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसको इंस्टॉल कर लेना और साथ में यहाँ पर अकाउंट बना लेना। ठीक है, अकाउंट बनाने के बाद फटाफट मैं इसको लॉगिन कर लेती हूँ। अभी यहाँ पर आने के बाद देखो यहाँ पर आपको ऑल इशू हो जाएगी, ये डैप्स का ऑप्शन है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपकी जो भी एनएफटी वगैरह होगा यहाँ पर दिख जाएंगे, यहाँ पर आप स्वैप कर सकते हो, यहाँ पर आपकी ट्रांजेक्शन वगैरह शो होगी और सेटिंग्स का ऑप्शन है। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर सबसे पहले काम होगा कि आप कुछ स्वैप कर लीजिए। तो सबसे पहले हम USDT सोल कर लेते हैं, हम $10 का कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, व्यू ऑर्डर पर क्लिक करेंगे, स्वैप पर क्लिक करेंगे और फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। तो स्वैप हो गई है, इस अमाउंट को हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही हो जाती है अभी हम क्या करेंगे, ऑपोजिट करेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार करेंगे, ऐसे हम 5-10 जितना भी पॉसिबल होगा हम इतना करके स्वैप कर लेंगे। एक से नहीं होगा काम, आपको 5-6 कम से कम कर लेनी पड़ेगी और साथ में आप कुछ वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हो तो भी कर लेना। ठीक है, पहली काम आपको स्वैप कर लेनी होगी। दूसरा, अभी देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मैं बता देती हूँ, यहाँ पर होम पेज में चले जाना और सोलाना का सर्च करना। सोलाना का सर्च करने के बाद गाइस एक और चीज़, अगर आपके पास NFT है तो उसके बाद आप बाय सेल कुछ करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, ये भी एक एक्टिविटी हो सकती है। ठीक है, तो आप अगर पॉसिबल है ये तो ये भी कर लेना। अभी मैं तीसरा चीज़ बता देती हूँ, यहाँ पर सोलाना पे क्लिक करना, सोलाना स्टार्ट अर्निंग सोल पे क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पर सर्च करना, अभी देखो यहाँ पर स्टेक करने का ऑप्शन मिलेगा, चेन फ्लो करके होगा। तो यहाँ पर कुछ अमाउंट का आप यहाँ पर सोल डाल दीजिए, 0.001 करके हम डाल देते हैं। ठीक है, और कुछ और ज़ीरो लगा देते हैं हम, ओके। इतना सोल करके यहाँ पर स्टेक पे कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम स्टेकिंग पे कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हो सोल भी यहाँ पर स्टेक हो चुके हैं। तो यहाँ से हमने स्टेक भी कर लिया, अगर NFT बाय सेल करना चाहते हो वो भी आप कर लेना, स्वैप भी कर लेना, कुछ वॉल्यूम एंड 5-6 ट्रांजेक्शन भी इधर से कर लेना। देखो तो इस हिसाब से क्या होगा कि आपको जो भी इनका नेटिव टोकन है ना, इससे आपकी एडॉप मिलने की चांस बढ़ जाएंगे। तो तीसरा मैंने आपको बता दिया, आप चलते हैं चौथा एंड लास्ट एडॉप की तरफ जिसका नाम है JK सिंह। ठीक है, इसको हम मेटामार्क्स के वाया करते हैं ताकि मेटामार्क्स वाला भी एडॉप हमारे लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इस टाइप के ऑप्शन मिलेगा आपको, पास ऑप्शन मिलेगा आपको, यहाँ पर इथेरियम चेन की वाया ही करना पड़ेगा और जिनके पास इथेरियम नहीं होगा उनको कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेटामार्क्स के वाया कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास मेटामार्क्स में इस टाइप की एक ऑप्शन आएगा, हमको सिंपली इसको अप्रूव करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट नेक्स्ट करके कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही कनेक्ट हो जाते हैं हमको यहाँ पर इथेरियम मेननेट सिलेक्ट करनी पड़ेगी और फिर यहाँ पर JK सिंह पे आ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा वॉलेट यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे आओगे यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर सबसे पहले आपके पास ऐड फंड का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, जैसे आप ऐड फंड पे क्लिक करोगे यहाँ पर सबसे पहले आपको अमाउंट डालना पड़ेगा, कितना अमाउंट का आप करना चाहते हो। तो 0.001 का हम कर लेते हैं। ठीक है, 5 भी चलो कर लेते हैं, $20 का बस। अभी ऐड फंड पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पर मेटामार्क्स में एक कंफर्मेशन आएगा और आप लोगों को इसको अप्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं, देखते हैं कितना डॉलर का फीस, और ऑलमोस्ट $25 का फीस लग रही है गाइस, तो हम फिलहाल कन्फर्म कर देते हैं, आई थिंक कितना में भी हो जाएगी। तो चलो यहाँ पर चले जाते हैं, जैसे अप्रूव हो जाती है गाइस
सो यहाँ पर सक्सेसफुली ट्रांजिशन डन हो चुके हैं। यहाँ पर कुछ टाइम लगता है, 5 से 6 मिनट, जैसे ही हो जाते हैं आप ओके पे कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना फंड को ऐड करनी पड़ेगी। जैसे फंड ऐड हो जाती है, अभी आपको सेंड वाला फीचर को भी यूज़ करनी पड़ेगी। यूज़ करने से पहले सबसे पहले आपको ऑथोराइज करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको मेटामास्क पे यहाँ पर कंफर्मेशन जाएगा, सिंपली इसको साइन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से आई थिंक एक और बार साइन करनी पड़ेगी, तो साइन अकाउंट इस पर भी कर लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पर नोटिफिकेशन फिर से आ चुके हैं, यहाँ पर भी हम साइन कर लेते हैं। जैसे ही हो जाते हैं गाइस, तो यहाँ पर आ जाओ। अभी देखो यहाँ पर आप अमाउंट डाल सकते हो, कितना अमाउंट आप कर सकते हो। तो हम मैक्सिमम कितना है, उससे थोड़ी सी कम कर लेंगे इसको, 5-5 कर लेते हैं लास्ट, ठीक है। और यहाँ पर हमको एड्रेस देना पड़ेगा, तो कोई भी आप दूसरा वॉलेट एड्रेस दे दो। सो यहाँ पर हमारा जो दूसरा वॉलेट है उसका एड्रेस यहाँ पर पेस्ट कर दें। डाल के यहाँ पर सेंड जेके सिंह पे क्लिक करूँगी। यहाँ पर देखो, जब आप फर्स्ट L1 में डिपॉजिट करोगे तभी आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा इथेरियम फीस लगेगा, बट जब आप जेके सिंह से यहाँ पर सेंड करोगे तो आपको बहुत ही कम फी लगेगा। जैसे देखो, $1 भी नहीं लग रही, $0.72, समझ रही हो ना। तो मतलब कि लो फीस में यहाँ पर सेंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर सेंड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर सिंपल अप्रूव करेंगे। सबसे पहले इसको ट्रांसफर टू, इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करते हैं, मेटामास्क में अप्रूव करने का ऑप्शन मिलेगा, इस पर अप्रूव कर देते हैं। सो गाइस देखो, यहाँ पर हमारा ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो फंड ऐड एंड सेंड कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर आप लोगों को NFT यहाँ पर ऐड करने के ऑप्शन मिलेगा, मिंट NFT का। तो कैसे करोगे, ये भी बिल्कुल फ्री में हो जाएंगे, बहुत ही कम फीस लगेगा। तो मिंट NFT पर क्लिक करना है। यहाँ पर गाइस आपको NFT का CID देनी पड़ेगी। तो किधर से दोगे, तो मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बता दूंगी जिसका नाम है pinada.cloud, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे। यहाँ पर सिंपली अपलोड पर क्लिक करना, अब फाइल पर क्लिक करना, कोई भी एक पिक्चर आप अपलोड कर देना, आपके पास इस टाइप की CID आ जाएंगे। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कॉपी करते हो एंड यहाँ पर मेन NFT पे क्लिक करते हो, बहुत ही कम फीस लगेगा यहाँ पर। अभी इसको आपको यहाँ पर मेटामास्क से कंफर्म कर देनी होगी, तो आपकी यहाँ पर NFT मिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फटाफट हमने कर लिया NFT मिंट, ओके। सो यहाँ पर हम जेके सिंह पे जाते हैं, देखो यहाँ पर NFT मिंट हो गई। तो हमने स्वैप यहाँ पर ऐड भी कर लिया, सेंड भी कर लिया, NFT मिंट भी कर लिया, ठीक है। अभी आते हैं गाइस, अभी आते हैं इनका जो एक्सचेंज है ZinZack एक्सचेंज, यहाँ पर कुछ हम ट्रेड कर लेंगे, ठीक है, एंड कुछ अमाउंट का वॉल्यूम भी क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम आएंगे एंड सबसे पहले हम वॉलेट को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो गाइस जैसे यहाँ पर आ जाओगे, एकदम कॉर्नर पे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कनेक्ट वॉलेट का, इधर से आप कनेक्ट कर लेना। और यहाँ पर हमेशा ZinZack का आपको मेननेट ही सिलेक्ट कर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लेम कर लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं और इसको अप्रूव कर लेते हैं फटाफट, ठीक है। अब ध्यान से वीडियो को देखो, स्टेप वाइज बता रही हूँ, करके बता रही हूँ ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, नहीं तो मैं स्किप करके भी बता देती कि ये कर लो, आप कर लेते हैं, ठीक है। बट मैं दिखा रही हूँ बिकॉज किसी का दिक्कत ना हो, इसीलिए। तो ध्यान से वीडियो को देखना। देखो यहाँ पर अप्रूव करने की भी 2 बार रिक्वेस्ट आती है, तो 2 बार जब करोगे तभी जाके यहाँ पर सक्सेसफुल कनेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक बार में कनेक्ट नहीं हो रहे तो ऐसे कर लेना गाइस, ठीक है। तो ये जैसे ही कर ले, तो अभी देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इथेरियम USDC का, तो आप कोई भी पेयर सिलेक्ट कर ले। हम इथेरियम USDT से सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ हम क्या करेंगे, कुछ सेल अमाउंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्राइस कुछ अमाउंट सेल करते हैं, सेल पे क्लिक करेंगे सिंपली। यहाँ पर हम मेटामास्क में एक रिक्वेस्ट जाएगा, इसको अप्रूव कर देते हैं। अप्रूव करने के बाद यहाँ पर वापस आते हैं और हमारा सेल ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अभी इसको अगर बाय करनी है, फिर से हम बाय ऑर्डर पे क्लिक करेंगे, बाय, एक मिनट जस्ट, यहाँ पर क्लिक करके बाय ऑर्डर पे क्लिक कर लेंगे। सो देख सको, $4 का यहाँ पर USDT हमारा
आ चुके हैं। अभी हम बाय पे फिर से क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर अप्रूव करेंगे। ऐसे करके एक बार बाय और एक बार सेल करके ऐसे आप कुछ वॉल्यूम जनरेट एंड 5-6 ट्रांजेक्शन इधर भी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ फीस आप लोगों को देनी पड़ेगी, $2-3 का आपको फीस का बलिदान इधर भी आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपकी जितना भी एफर्ट है उस हिसाब से आप इन सारे ट्रांजेक्शन को कीजिएगा, इन सारे आप स्वैप वगैरह कीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं और एक ये तीनों स्टेप आप लोग कर लेना जैसे जैसे मैंने बताई। अब इसके अलावा गाइस हमने जेके सिंह का यहाँ पर टेस्ट नेट वाला एयरड्रॉप भी बताया था, तो उसको जिन लोगों ने भी किया था उनका भी एक चांस बन जाते हैं कि जेके सिंह का जब यहाँ पर एयरड्रॉप आएगा तो उनको भी बेनिफिट उधर से हो सकती है। तो जितना भी पॉसिबिलिटीज था उन सभी एयरड्रॉप को मैंने यहाँ पर कवर किया है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का जो लोगों से हर बार पूछा जाते हैं। किस एक और तरीका है जिससे आप ये पता कर सकते हो कि कब आपको इथेरियम में ट्रांजेक्शन करना चाहिए कब नहीं। जब इथेरियम फीस कम लगेगी तभी आप करना कैसे पता करोगे, इसके लिए इथर स्कैन पे चले जाना, इथेरियम स्कैन करके स्कैन ए लिख के सर्च करना, इथेरियम स्कैन वाला ये आ जाएंगे टॉप में ही आपको मिल जाएंगे etherscan.io। इसको आप डेस्कटॉप मोड पे ऑन कर लेना। सिंपली डेस्कटॉप मोड पे ऑन करने के बाद मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो ऊपर में आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा, मोर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको एक्सप्लोर करके एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर गैस ट्रैकर का ऑप्शन मिलेगा। जैसे गैस ट्रैकर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख जाएंगे कितना फीस लो में करोगे तो 41 गैस फीस लगेगा, एवरेज में 42 और हाई में 42 ऐसे समथिंग, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिख जाएंगे कि अगर आप एक वॉलेट से दूसरा वॉलेट में भेजोगे तो $10 का फीस लगेगा, ठीक है। अगर आप यूनिसेफ में स्वैप करोगे तो 33 का फ़ी लगेगी एंड आप लिक्विडिटी ऐड वगैरह करोगे तो $29 का यहाँ पर फ़ी लगेगी। तो यहाँ पर ई जब 30 के आसपास होगा तब बहुत ही कम होती है, तब चाहे तो आप लोग कर लेना। रात के 2 से 4 बजे के बीच में लो होते हैं तो आप एक बार उस टाइम कर लेना, तो उस टाइम आपको गैस फी कम मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लोग पूछते हैं कि कितना डॉलर का हम लोगों को स्वैप या फिर ये चीज़ करनी है लिक्विडिटी। देखो गाइस यहाँ पर कोई भी मिनिमम या फिर मैक्सिमम अमाउंट मेंशन नहीं किया जाता ऑफिशियली, ठीक है। इवन कभी भी ऑफिशियल ये भी नहीं बताया जाता कि एयरड्रॉप मिलेगा ही मिलेगा। तो आप लोग जितना अमाउंट का यहाँ पर झेल सकते हो आप अपना हिसाब से, फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से आप इधर उतना फीस वगैरह पे करके या फिर उतना आप स्वैप वगैरह करके ये सारी चीज़ कर सकते हो। सेकंड थिंग कि ये जितना भी मैंने एयरड्रॉप बताई थी इसमें कोई गारंटीड नहीं है कि आपको एयरड्रॉप मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बट हम एक अनुमान लगा के बोल रहे हैं जितना भी एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कि इन सारे प्लेटफॉर्म से एयरड्रॉप आ सकती है, कोई गारंटेड नहीं है। तो जिनको भी मन बन रही है वही लोग कीजिएगा और जिनको नहीं लग रही है तो ना भी कर सकते। और मैं बोलूँगी फिर भी कर लेना जितना भी लो फीस वाला है उनमें कर लेना, ताकि बाद में ये पछताव ना हो कि यार हमारे पास तो मौका था फिर भी हमने क्यों नहीं किया, ऐसा ना हो पड़े, ठीक है। तो यही चीज़ था कि आप उतना कीजिए जितना आपकी झेलने की क्षमता है, उतना फीस बलिदान दीजिए जितना आपकी एफोर्ट के हिसाब से है। एंड दूसरा चीज़ फिर से मैं बोलूँगी, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि एयरड्रॉप मिलेगा ही मिलेगा, बट एक अनुमान लगा के हम बोल रहे हैं कि मिल सकती है इन फ्यूचर में, ऐसे एयरड्रॉप से हम लोगों को प्रॉफिट मिल सकती है। बाकी वीडियो अच्छे लगे तो बता देना और एयरड्रॉप जब भी आएंगे जैसे भी आ जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे इसका अपडेट मिल जाएंगे। इवन वीडियो बता के भी हम बता देंगे कि इसका एयरड्रॉप आई है, जाओ जाके क्लेम कर लेना। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, और साथ में बहुत सारे ऐसे एयरड्रॉप आते रहते हैं चैनल पे जिसको भी आप ज्वाइन करके फ्री में अर्निंग कर सकते हो। तो आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी अच्छा नॉलेज एंड बहुत कुछ जानने को मौका मिल गई है। तो फटाफट वीडियो को कर दो लाइक, मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट अमेजिंग ऑफर के साथ, तब तक मचाते रहो। थैंक यू।